हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी, और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने पानी लिया है जितना हमें ग्रेवी में डालना है, और ये मैंने लिया आलू 250 ग्राम, उसे कट करके मैंने छील के कट कर लिया है। और ये मैंने 3 बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसे भी कट कर लिया है छील के। और ये मैंने लिया मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा, और 1 बड़ा टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है मैंने, 1/2 टेबल स्पून जीरा, और 3 सूखी लाल मिर्च लिया है मैंने, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और ये मैंने लिया है गरम मसाला, सॉरी सब्जी मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये मैंने थोड़ा सा 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा धनिया, कड़ी पत्ता और मिर्ची लिया है मैंने, और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, मस्टर्ड ऑयल लिया है, आपके पास जो है यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। तो ये मैंने गैस को ऑन कर दिया, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, उसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरा को हम भून लेंगे। अच्छे से फूटने देंगे जीरा को। और हमारे यहाँ पे 3 दिन से कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही है, और 5 दिन और नहीं मिलेगा कोई भी सब्ज़ी। तो जो घर में था वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी, टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगर नहीं है कुछ तो आप बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा पका लेंगे, इसे भून लेंगे। और जो मिर्ची और धनिया है और लहसुन कड़ी पत्ता वो डालेंगे। तो ये अच्छे से लहसुन मिर्ची और अच्छे से भून गए हैं, और इसमें हम डालेंगे जो हमने प्याज लिया है और आलू। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालिए, और इसको हम मिला लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे इसे हम। तो थोड़ा सा पकने देते हैं, तो इसे मैंने थोड़ा सा चला लिया है, और फिर से क्या करेंगे हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ा और पका लेंगे। और तब तक जब तक ये पक रहा है तब तक हम जो हमारे सूखे मसाले हैं थोड़े से पानी डाल के उसका घोल लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने सारे मसाले एक उसमें निकाल लिया है, इसमें हम थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। तो हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। और अभी इसमें जो हमने पेस्ट बनाया मसाला वो डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चलाएंगे, और थोड़ा सा मसाले में हम भून लेंगे जो हमारा प्याज है और बटाटा, और अगर आपके पास टमेटो है तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो थोड़ा टाइम हम मसाले में पका लेंगे, इसे भून लेंगे अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला जो हमारा अच्छे से पक गया है, जो हमने पानी डाला था मसाले में सारा सूख गया है, और इसे हम डालेंगे पानी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें मैंने जितना पानी चाहिए उतना डाल दिया है, और इसे हम ढक्कन लगा के हमारे जो आलू है अच्छे से पक जाए और गाढ़ा हो जाए तब तक हमें पकाना है। तो अभी हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, तो ये हमारी सब्जी पक गई है। और अभी ये आलू को अच्छे से इसमें मसल लेंगे हम, इसे देखिए ये पक गया है, तो टूट रहा है आलू, देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, और गैस को ऑफ कर देंगे, और फिर सर्व डिश में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मसल लिया है, तो हमारी सब्जी अच्छे से पक गया, और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने सर्व डिश में निकाल लिया है एक बाउल में, अब चावल के साथ में, चपाती के साथ में, पराठे पूरी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, कम चीज़ों में
टेस्टी सब्जी बनी है तो बनाइए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। और मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए। और देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। और फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।